Hi everyone, I am Vandana and I welcome you all to my YouTube channel Pharma and Jobs in Dubai. So friends, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं और मेरा वीडियो आज ये पहली बार देख रहे हैं, प्लस जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब उन्होंने नहीं किया है, तो पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए. सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं पड़ता है. सो जो रेड कलर का नीचे सब्सक्राइब लिखा रहता है उसको प्लीज प्रेस कर लीजिए. साथ में उसके दिया हुआ एक बेल शेप का आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए. एंड नाउ वी मूव ऑन टू द वीडियो. सो फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो ये कुछ लोगों की रिकमेंडेशंस थी कि मैं वीडियो इस टॉपिक के ऊपर बनाऊं, फार्मेसी टेक्नीशियन एंड क्लिनिकल फार्मासिस्ट के ऊपर, क्योंकि मैंने अभी तक अपने वीडियोस में इनके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं की है. सो टुडेज वीडियो भी इज गोइंग टू बी जस्ट ऑन फार्मेसी टेक्नीशियंस एंड क्लिनिकल फार्मासिस्ट. सो ऑल दोज पीपल हु आर सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हु आर फार्मेसी टेक्नीशियन पीपल एंड हु आर क्लिनिकल फार्मासिस्ट, टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू ऑल द डिस्क्रिप्शन अबाउट योर पोस्ट, योर जॉब एंड हाउ यू आर गोइंग टू अप्लाई. सो फ्रेंड्स, अप्लाई करने का प्रोसीजर तो बिल्कुल सेम है. जो मेरा DHA में आपने कैसे अप्लाई करना है, जो मैंने एक वो वीडियो बनाया हुआ है, इज द सेम. आपने सिर्फ अपना कैटेगरी वहाँ पे सेलेक्ट करना है. क्लिनिक उसमें सारे ऑप्शंस रहते हैं, तो आप अपना, अगर आप फार्मेसी टेक्नीशियन है तो वहाँ पे आप फार्मेसी टेक्नीशियन सेलेक्ट कीजिए, और अगर आप क्लिनिकल फार्मासिस्ट हैं तो वहाँ पे आप क्लिनिकल फार्मासिस्ट सेलेक्ट कर लीजिए. बाकी उसी के अकॉर्डिंगली आपकी आगे की रिक्वायरमेंट्स आपसे सिस्टम पूछता रहेगा और आप उसको फिल करते रहेंगे. ऑलमोस्ट सेम रहता है, बहुत डिफरेंस नहीं होता है. सो द अप्लाइंग प्रोसीजर फॉर योर प्रोमेट्रिक एग्जाम इज द सेम. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू कि आपका जॉब कैसी रहती है, और देन विल टॉक अबाउट द सैलरी ऑफ बोथ द फार्मासिस्ट. सो इफ यू आर आ फार्मेसी टेक्नीशियन, ओके, तो आपका क्या जॉब रोल रहेगा UAE में या फिर यहाँ दुबई की फार्मेसीज में. सो फ्रेंड्स, फार्मेसी टेक्नीशियंस जो यहाँ पे होते हैं, दे आर लाइक ऑलमोस्ट लाइक असिस्टेंट फार्मासिस्ट, क्योंकि दे कैनॉट डू द काउंसलिंग ऑफ द पेशेंट, दे कैनॉट डू द रिकमेंडेशंस टू द पेशेंट, टू द कस्टमर. ओके, यस, दे कैन डील विद, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रिस्क्रिप्शन पेशेंट. दे कैनॉट डू डायरेक्टली द पेशेंट काउंसलिंग और द कस्टमर काउंसलिंग. ओके, एंड ऑल्सो दे कैनॉट रिकमेंड मेडिसिन और एनी अदर थिंग्स रिलेटेड टू मेडिसिन टू द कस्टमर्स. दिस इज कैन ओनली बी डन बाय द मेन फार्मासिस्ट ऑफ द फार्मासिस्ट इन चार्ज ऑफ दैट पर्टिकुलर फार्मेसी. सो फ्रेंड्स, ये तो फार्मेसी टेक्नीशियन के बारे में था. और फार्मेसी टेक्नीशियन की जो सैलरी होती है वो भी मैंने सैलरी के बारे में भी आपको नहीं बताया है. सो फार्मेसिस्ट टेक्नीशियन की जो सैलरी होती है वो 2500 दिरहम से स्टार्ट होती है, दैट इज 2500 AED से स्टार्ट होती है. और अगर आप बहुत छोटी किसी फार्मेसी में काम कर रहे हैं, कोई इंडिविजुअल फार्मेसी है, तो वहाँ पे वो आपको 200 भी कई जगह पे ऑफर करते हैं अगर आप फ्रेशर होते हैं तो. बट जनरली 2500 से आपकी सैलरी स्टार्ट होती है, एंड देन इन फ्यूचर डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस, आपका कैसा एक्सपीरियंस, कितना एक्सपीरियंस है, उस बेस पे फिर आपकी फार्म आगे जाके सैलरी बढ़ती है. फिर आप किसी बड़ी चेन में काम कर रहे हैं तो सैलरी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, किसी छोटी चेन में इंडिविजुअल फार्मेसी में है तो सैलरी थोड़ी कम होगी. और डिपेंड करता है फार्मासिस्ट की सेल कितनी है, फार्मासिस्ट कितनी रनिंग है, कितना बिजनेस फार्मेसी बना रही है, वो सब भी डिपेंड करती है. हमारी सैलरी फार्मेसी के और फार्मेसी चेन के बिजनेस और वो कितनी बड़ी है उस पर भी डिपेंड करती है कई बार. तो ऑल दैट. बाकी जो प्रोसीजर आपका अप्लाइंग का है वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि यू विल अप्लाई लाइक द फार्मासिस्ट, ओनली यू हैव टू चेंज द कैटेगरी. एंड बाकी अपलोडिंग एंड ऑल दोज थिंग्स, अपने डॉक्यूमेंट्स की जो जो भी आपके पास है आप उस तरह से करते हैं. आपको भी एग्जाम देना होता है और आपको भी फार्माकोलॉजी और यही सब पढ़नी होती है, ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी आते हैं. और ऑफ कोर्स क्वेश्चंस आपका लेवल थोड़ा सा कम होगा, बट देन यू हैव टू प्रिपेयर इन द सेम मैनर सो दैट यू गेट योर एग्जाम क्लियर्ड. सो
प्रिपरेशन आपको वही सब कुछ करनी होती है फार्माकोलॉजी की, और उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पेपर में भी आते हैं, कैलकुलेशंस होती हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा रीजनिंग और थोड़ा बहुत केस स्टडीज भी आजकल स्टार्ट हो गई है. सो ये सारी तरह के क्वेश्चंस आपके उसमें भी रहते हैं. सो जो मैं इसमें अपने वीडियोस जो मैं अपलोड करती हूँ ऑन द प्रिपरेशन ओके फार्मासिस्ट DHAMOH की, तो वही आप भी तैयारी कीजिए. साथ में जो आपकी फार्माकोलॉजी की बुक है आप उसको बिल्कुल थरली होल चैप्टर को, क्लासिफिकेशंस को, कैटेगरी सब कैटेगरी सारी अपनी क्लियर रखिए, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रखिए. ओके सो दिस वाज अबाउट द फार्मेसी टेक्नीशियन. नाउ मूविंग ऑन टू क्लिनिकल फार्मासिस्ट. तो अगर आप फार्मडी हैं या अगर आप एम फार्म हैं क्लिनिकल फार्मेसी में, तो आपको यहाँ पे एज अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट की जॉब मिलती है. क्लिनिकल फार्मासिस्ट भी उसी तरह से अप्लाई करते हैं जैसे कि फार्मासिस्ट अप्लाई करते हैं फॉर द एग्जाम. ओके उसी तरह से उन लोगों के भी अप्लाई करना होता है, कोई डिफरेंस नहीं है उसमें. तो आप उसी तरह से अपने बस आप वहां पे अपनी कैटेगरी चेंज कर दीजिए, वहां पे आप क्लिनिकल फार्मासिस्ट मेंशन कीजिए, बाकी सेम क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और सेम आप आगे को प्रोसेस करते रहिएगा. यू कैन सी दैट वीडियो विच इज ऑन हाउ यू कैन डू स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग फॉर योर प्रोमेट्रिक DHA एग्जाम. देन मूविंग ऑन टू आपकी जॉब के ऊपर, तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट ऑफकोर्स इज द और शी इज द मेन फार्मासिस्ट ऑफ एनी फार्मेसी और द फार्मासिस्ट इन चार्ज ऑफ एनी फार्मेसी डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस. अगर आपके पास ऑलरेडी आप दुबई में हैं, आपके पास एक्सपीरियंस अच्छा है, तो आपको फार्मासिस्ट इन चार्ज की पोजिशन भी मिलती है. और अगर आप फ्रेशर हैं, दुबई में अभी आए हैं, तो आपको एज अ फ्रेशर की जॉब मिलेगी. तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट बेसिकली यहाँ पे जो मेडिकल सेंटर्स हैं वहाँ पे इन लोगों की रिक्वायरमेंट रहती है और हॉस्पिटल्स में इनकी रिक्वायरमेंट रहती है. चेन फार्मेसीज में कहीं कहीं पे, क्योंकि काफ़ी कुछ यहाँ पे जो बड़ी बड़ी चेन्स हैं उनके मेडिकल सेंटर्स भी हैं, सो दे प्रिफर क्लिनिकल फार्मासिस्ट इन देयर मेडिकल सेंटर अटैच्ड फार्मेसीज, क्योंकि मेडिकल सेंटर्स के साथ एक या दो फार्मेसीज भी उन लोगों की अटैच्ड होती हैं, एक फार्मेसी होती है बेसिकली. तो उसमें वो लोग क्लिनिकल फार्मासिस्ट को रखना प्रिफर करते हैं. साथ ही कुछ मेडिकल सेंटर्स इंडिविजुअल भी होते हैं जिनके साथ फार्मेसीज अटैच्ड होती हैं. हर मेडिकल सेंटर्स के साथ ऑलमोस्ट यहाँ पे फार्मेसीज आपको मिलेगी अटैच्ड. तो वहाँ पे जो है क्लिनिकल फार्मासिस्ट को की जॉब जो है रहती है, और हॉस्पिटल में भी क्लिनिकल फार्मासिस्ट की वैकेंसीज रहती हैं. सो दीज आर द एरियाज वेयर यू वर्क हियर ओके इन दुबई इन UAE. और अगर आपकी सैलरी की बात की जाए तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट की सैलरी भी स्टार्ट तो 4000 से ही होती है, बट मेनी टाइम्स आपको 5000 भी मिलता है स्टार्टिंग पे ओके. और अगर आप मतलब किसी बड़े मेडिकल सेंटर में किसी बड़े ग्रुप के साथ हैं और आपका अपना होम कंट्री का अच्छा एक्सपीरियंस है, इवन इफ यू आर फ्रेशर, यू स्टार्ट विथ 5000 दिरहम ऑफ योर स्टार्टिंग सैलरी. एंड धीरे धीरे फिर आपके एक्सपीरियंस के बेस पर हमारी सैलरी इंक्रीज होती है, और उस बेस पर दिस इज वेरी नॉर्मल विद द फार्मासिस्ट असिस्टेंट फार्मासिस्ट और एंड ऑल दीज जॉब रोल्स, कि एक्सपीरियंस के हिसाब से हमें सैलरी मिलती है. हाउ मच एक्सपीरियंस वी हैव गेन्ड हियर, सी होम कंट्री में जो था सो तो हमारे पास था, बट आप जब यहाँ पे आते हैं तो आपको फ्रेशर ही कंसिडर किया जाता है, इसलिए सैलरी रेंज यहाँ पे ऑलमोस्ट फिक्स्ड ही है, तो उससे ऊपर नहीं जाता है, उतने में ही रहता है. बट येस मैनी टाइम्स इवन द फ्रेशर्स हु हैव सम गुड एक्सपीरियंस, तीन चार चार पांच साल का जिनके पास एक्सपीरियंस है, और जो अपना इंटरव्यू मैं जो लास्ट मेरा वीडियो है ऑन द इंटरव्यू, आप लोग उसे भी प्लीज जरूर देखिएगा. उसमें मैंने कुछ टिप्स दी हैं, कुछ बातें बताई हैं, क्वेश्चन बताए हैं जो कि इंटरव्यूज में यहाँ पे पूछे जाते हैं, तो ऑन माई एक्सपीरियंस ओके. सो अगर आपका इंटरव्यू अच्छा होता है, आप अपने एम्प्लॉयर को इम्प्रेस कर लेते हैं, तो आपकी 5000 दिरहम से भी सैलरी स्टार्ट हो जाती है, एंड देन आप उसके अकॉर्डिंगली फिर आप ग्रो करते हैं धीरे धीरे. सो गाइज प्रिपरेशन की जहाँ तक बात आती है, तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट भी DHA फार्मासिस्ट की तरह ही अपनी प्रिपरेशन करेंगे ओके. क्वेश्चंस और उनका पेपर ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ऑलमोस्ट सेम ही रहता है. तो फार्माकोलॉजिकल क्लिनिकल क्वेश्चंस, केस स्टडी क्वेश्चंस सारे वही फार्मासिस्ट के लिए भी आते हैं, सारे वही असिस्टेंट क्लिनिकल फार्मासिस्ट के लिए भी आते हैं. तो प्रिपरेशंस तो ऑलमोस्ट सेम रहती है ओके. बट जॉब रोल ही थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि फार्मासिस्ट जो सिंपल फार्मासिस्ट है एम फार्म बी फार्म नॉट क्लिनिकल फार्मासिस्ट,
तो उनकी रिक्वायरमेंट तो यहाँ पे सारी जगह पे रहती है, बट जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट है उनकी मेजर रिक्वायरमेंट रहती है मेडिकल सेंटर्स में, यहाँ पे हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में, यहाँ पर उन लोगों की ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। उसके अलावा कहीं कहीं पर फार्मेसीज में भी क्लिनिकल फार्मासिस्ट रहते हैं, बट दैट इज लाइक नॉट सीन मोस्टली, काफ़ी कम है इस तरह से। सो गाइज, दिस वॉज ऑल अबाउट फार्मेसी टेक्नीशियन एंड क्लिनिकल फार्मासिस्ट, अबाउट आप लोग अप्लाई कैसे करेंगे। ओनली यू हैव टू सी योर कैटेगरी एंड रेस्ट एवरीथिंग विल बी सेम। और जहाँ तक क्वेश्चंस का पेपर का क्वेश्चन है, तो उसमें प्रिपरेशन आपको सेम करनी रहेगी। क्लिनिकल फार्मासिस्ट और फार्मासिस्ट का क्वेश्चंस और सब कुछ ऑलमोस्ट सेम रहता है। इवन फार्मेसी टेक्नीशियंस को भी जो है फार्माकोलॉजी के क्वेश्चंस देने पड़ते हैं अपने एग्जाम में। और सैलरी रेंज भी मैंने आपसे डिस्कस कर ली है। जो फार्मेसी टेक्नीशियंस है उनकी सैलरी 2500 से स्टार्ट होती है, और जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट हैं उनकी सैलरी 4000-5000 से स्टार्टिंग होती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फार्मेसी टेक्नीशियन एंड क्लिनिकल फार्मासिस्ट इन दिस वीडियो। सो गाइज, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड सपोर्ट मी इन दिस यूट्यूब जर्नी। ओके, सो इन फ्यूचर ऑल्सो आई विल बी मेकिंग वीडियोज ऑन फार्मासिस्ट, फार्मेसी एंड फार्मास्यूटिकल अदर सेक्टर्स। मैंने पिछली अभी एक वीडियो बनाई थी कई लोगों की रिकमेंडेशन के ऊपर, इट वॉज ऑन मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स जॉब इन दुबई। ओके, सो जो मेडिकल रेप्स हैं वो उसको देख सकते हैं, और जो अपना करियर एज ए मेडिकल रेप बनाना चाहते हैं दे कैन ऑल्सो टेक सम गाइडेंस फ्रॉम दैट वीडियो। और अगर आप लोगों की कुछ और क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। मोस्टली क्वेश्चंस को मैं रिप्लाई करती हूँ, और जो ये वीडियो बनाने के ऊपर भी रहते हैं कि प्लीज़ मैम इसके ऊपर बनाइए, उसके ऊपर बनाइए, तो मोस्टली मैं उनको भी इन्वॉल्व इंक्लूड करती रहती हूँ। लाइक दिस वॉज लाइक टूडेज वीडियो वॉज ऑल्सो आस्क्ड बाय फ्यू पीपल, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वीडियो वॉज ऑल्सो आस्क्ड बाय सम पीपल, on salary also there were many people who were asking to make video on salary. There were, so these all videos are, you know, like you have asked, so I have made for you. So like this I will do in the future also. So guys, please subscribe to my channel, like my videos and share with your friends, colleagues who are in the pharmaceutical sector. Thanks for watching. Have a nice day. Stay home, stay safe.